शिवा भी रेडी होके बाहर आ गए और वो अपना बैग वगैरह बांध रहे हैं, उन्होंने भी चले जाने हम घर के लिए और बारिश आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन हयात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सुबह सुबह के टाइम आया था छत के ऊपर, क्योंकि रात को भी बारिश होती रह गई है और अब सुबह के टाइम बारिश हो रही थी और अभी भी हो रही थी, बट थोड़ी ही देर हुई है रुक गई है। और आज आसमान पर बहुत ही प्यारे बादल और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आपको जैसे कि पता है कि शेब भाई आए हुए थे घर, तो आज वो भी वापस चले जाएंगे थोड़ी ही देर तक। और आज मेरा बकरा भी जहाँ मर्जी बैठ जाए, क्योंकि आज धूप तो है नहीं तो छाँव ही छाँव हर तरफ, तो जहाँ मर्जी बैठ जाए। पूरी मेरे खाने बेर खा रहा है बकरा, देखे कितने ही सहन है। बेर खा जाता है जो उनके अंदर से घीटक होती है, वो बाहर फेंकी जा रहा है और काफ़ी सारे का ही बैठा है। और मुझे कमेंट्स आया था कि आप बकरे को बकरा ना बुलाया करें, अपना कोई बकरे का नाम रखें, तो मुझे प्लीज़ इसका कोई नाम बताएं कि मैं इसका नाम क्या रखूं। अच्छा सा नाम जल्दी बताइएगा ताकि वो फिर हम इसका रख लें। शिवा भी रेडी होकर बाहर आ गए और वो अपना बैग वगैरह बांध रहे हैं, उन्होंने भी चले जाने हम घर के लिए। और बारिश आ रही है, बारिश भी आ रही है, देखें बारिश यहाँ से नज़र आएगी आपको। अगर ज़्यादा आ गए तो फिर क्या करेंगे, फिर मज़े करेंगे हम, इन्जॉय करेंगे बारिश को। आज किले पे जश्न बहारा का एक छोटा सा फंक्शन हो रहा था, जश्न बहारा लगी थी क्योंकि बाहर का मौसम जा रहा है, तो किले बच्चों के लिए उन्होंने झूले वगैरह, और आज एक कवाली नाइट भी है बड़ी किले के, किला है कान्हा कासिम बाग में, तो मैं उधर ही आया हुआ था। तो चलते हैं देखते हैं कि अभी क्या क्या तैयारी चल रही है और क्या क्या हो चुका है। बशीर भाई मेरे साथ हैं और बशीर भाई पता नहीं शर्माते क्यों हैं, सलाम तो करते हैं आज। और इधर बच्चों के लिए साड़ी वगैरह के झूले लगे हुए हैं और उस तरफ छोटे बच्चों के जंपिंग स्टॉल वगैरह भी लगे हुए हैं खाने वगैरह के। और इधर तो बहुत ही प्यारे फूल हैं। अभी हम आगे की तरफ जाते हैं और जहाँ पे कवाली होनी है, कवाली नाइट है, वो जगह भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी व्यूअर्स मुल्तान से हैं या जनूबी पंजाब के हैं, ये पूरे जनूबी पंजाब का, तो ये इस बोर्ड से देख सकते हैं कि 19 डेट तक है ये, आज 17 है तो आज स्टार्ट हुआ है। देख सकते हैं जिस तरह के उन्होंने गमले वगैरह लगाए हैं, तो हर पौधे पे उनका जो पौधा है उसका नाम भी लिखा हुआ है, पिट्यूनिया और ऐसे ग्रेनियम मुख्तलिफ जो जो पौधे हैं उन सब के नाम भी लिखे हुए हैं। ये देखिए कार्नेशन, मेरे ख्याल में कार्नेशन ही नहीं है ये, जिसने बाहर का दाखिली रास्ता है। और अब हम भी अंदर दाखिल हो रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ लगी हुई है, अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। और जो आज कवाली नाइट वाली जगह है उस पर भी हम जाएंगे। और अब मैं उस तरफ आ गया हूँ जहाँ पे कवाली होनी है रात को, ये स्टेज इसका बन गया है और तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। शाम को 7:30 बजे कवाली होनी है और बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे तो, और मैं तो शाम तक यहीं ही रुकने वाला हूँ। आगे सीट्स वगैरह भी लगी हैं मेहमान खुशी के लिए और लाइटिंग डेकोरेशन पूरे DJ सिस्टम बना हुआ है। मेरे सामने ही जो कवाली वाले हैं, कवाली नाइट अयाज गोहर सूफी बैंड वाले हैं, 7:30 बजे आज 17 मार्च ये आज होगा। और म्यूजिकल नाइट जो है नादिया हाशमी 7:15 बजे 7:15 पे 19 मार्च को होगा ये। और ये होना है बमकाम किला कहना है कासिम बाग, जश्न बहारा 2023। तो जश्न बहारा के रंग जनूबी पंजाब के संग। मेरे कुछ व्यूवर्स बाहर के हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, बाहर के मालिक में, तो वो कह रहे थे कि आप मुझे भी आप बहुत प्यारी प्यारी जगह दिखाते हैं और बहुत अच्छे नज़ारे दिखाते हैं। तो आज उनके लिए मुझे एक शेर याद आया, शेर कह लें या हमारी सराइकी ज़बान में माहिया कह लें, कि आज मौसम वैसे बादलों वाला ही है, कहते हैं कोई बदल छाए हुए नहीं, कोई बदल छाए हुए नहीं, अगलावा उन्ना नोटा नो जिन्ना वतन ने छुड़ाए हुए नहीं। जैसे कि आज कवाली नाइट है तो यहाँ नाइट में बारबेक्यू नाइट भी होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा। और बशीर भाई मुझे भी खिलाओगे रात को, बशीर भाई कह रहे हैं रात को मैं मेरी तरफ से होगी आपको पार्टी, मैं ही खिलाऊंगा। आज जैसे कि आपको पता है कि आज हर तरफ बादल छाए हुए थे तो सूरज निकला भी नहीं, थोड़ा सा निकला था मगर वो पहले ही बादलों के छुप गया था। और अब सूरज तो गरूब हो चुका है, मगर जश्न बहारा के जो रौनकें लगी हुई हैं हर तरफ लाइटिंग हुई है इधर से देखें। और अभी अब अंदर की तरफ दोबारा जाते हैं, पहले बाहर आ गए थे। जैसे कि हर जगह पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं, तो ये लकड़ी का हाथी बना हुआ है, बड़ा भी है साथ में छोटा बच्चा भी है और ऊँट भी है, माशा
के पत्थर और लकड़ी की चीजें बनी हुई है। और ये पुराने वक्त में ये बर्तन इस्तेमाल होते थे, और जैसे कि ये देखें सुराही मेरे ख्याल में से कहेंगे, और जो ये कलीन चादर से बनी हुई है, हाथ से बनी गई है, और इस पर घोड़े और इंसान मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बनाए हुए हैं। और एक ये जय नमाज इस्तेमाल तो नहीं सकती, इन्होंने बस रखने के लिए कलीन बनाया हुआ है जिस पर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। जो ये दूसरे नंबर पर बढ़िया, पहले जो मैंने इसका नाम लिया वो तो मैंने गलत है, बट जो अंकल बैठे हैं उन्होंने बताया कि इसको आफ्ताबा कहते हैं, हमारे इल्म में इजाफा हो गया कुछ। और इस तरह से कुछ उन्होंने फूलों के साल लगे, ये सिर्फ 3 दिन के लिए होंगे, फिर ये यहाँ से उठा ले जाते हैं, ये गमलों के अंदर वो रखते हैं और फिर इसे उठा लेते हैं। आगे भी मुख्तलिफ कलर्स के और मुख्तलिफ किस्म के फूल पड़े। और ये हमारे PHA एक महकमा और एक MDA महकमा है, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और पार्क हाउस अथॉरिटी है मेरे ख्याल में। ये सामने से एक ड्रोन स्टार्ट हुआ है जो जदीद किस्म का स्प्रे करने वाली, इसमें मशीन भी लगी और कैमरे भी लगे हुए हैं, देखते भी रहते हैं कहाँ और कैसे स्प्रे भी हो रहा है और कैसे चल रहा है। और ये उड़ाने लगे हैं और इसका टेस्ट करने लगे हैं। सामने भाई खड़े हैं जो चला रहे हैं। आवाज़ इसकी बहुत ज़्यादा है और शोर भी उतना ही ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि ये फूल वगैरह पड़े हैं, इनके पर्दे कैसे हिल रहे हैं और लोगों के कपड़े कैसे हिल रहे हैं। बेर तो हर वक्त खाते हैं, मगर बेरों के जो हमें नाम होते हैं, उनकी किस्म होती है, वो हमें नहीं पता होती। जैसे कि ये छोटे छोटे बेर हैं, इनको देसी बेर कहते हैं, और ये बड़े वाले जो बेर हैं, बेरी किस्म खीरी बेर, और इसके साथ ही जो फुल बड़े बेर पड़े हैं, उमरी मेरे ख्याल में कहेंगे, बेरी की किस्म उमरी कहते हैं। और ये देखें जिस तरह सेब होता है उसकी तरह का बेर है, और सेब बेर का नाम भी सेब बेर है। पहले मैंने दोपहर को जब यहीं पे थे तो मैंने तब दिखाया था, और रात को मैंने कहा था जब लाइटें चल जाएंगी फिर दिखाऊंगा। और अब देखें कि कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। और अब सीढ़ियों से नीचे जाते हैं हम दोबारा, पौधों के अंदर जो उन्होंने लाइटें लगाई हैं बहुत प्यारी लग रही हैं, और जो ऊपर लगाई हैं वो भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। सीढ़ियों से नीचे हम उतरे हैं और गेट की तरफ जा रहे हैं। इतना रश वैसे पहले नहीं होता पार्क में, मगर जश्न बारह की वजह से कुछ ज़्यादा ही है। जिससे हम दिन को आए थे तब वो तैयारी वगैरह कर रहे थे, और उन्होंने ये खारदार तारे नहीं लगाई थी, अब उन्होंने सिक्योरिटी के लिए खारदार तारे भी लगा दिए हर तरफ से, कि जिसने देखना है वो खड़ा होकर या बैठ कर देखे, खड़ा या खड़ी होकर, क्योंकि यहाँ लेडीज़ भी हैं। मैं कैमरे को थोड़ा ऊपर करके आपको यहाँ की रोशनी भी दिखाता हूँ, फूल भी, और रश कितना है और वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है दे रहे हैं, मगर रश अभी से शुरू हो गया है, और आवाम पहले ही आगे आगे जाए खड़ी, और खड़ी भी हो गई और बैठ भी गई है। आपको जैसे कि पता है कि फंक्शन होना है, तो नन्हे हमारे बच्चे पठान है, पख्तून है, और इसने लुंगी पहनी हुई है, इतना ही प्यारा लग रहा है, और इसने पख्तूनी ड्रेस। बहन भाई नहीं, वो कज़न है आपस में, तो उन्हें अपने चचा या वालिद के साथ आए हुए हैं। कवालियों ने से पहले उन्होंने एक शो थोड़ा सा करना था बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए, रूपट शो, शो का नाम रूपट शो है, और अभी वो स्टार्ट है, आप भी सुन सकते हैं। करना है जो मास्टर साहब कहेंगे ना, मैं वही कहूँगा, जो मास्टर साहब कहेंगे मैं वही करूँगा। शाबाश मेरा बहुत ही अच्छा बच्चा, ठीक है मैं बाहर बैठा हूँ। अच्छा बेटा जरा आप इधर आइए। ये मास्टर साहब बोलिए। कितना प्यारा शरीफ बच्चा है, कितना मासूम बच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो बेटा पढ़िए अलिफ। आप बेटा पढ़िए अलिफ। बेटा अलिफ पढ़िए। बेटा अलिफ पढ़िए। अरे सिर्फ अलिफ पढ़िए। सिर्फ अलिफ पढ़िए। बेटा अलिफ बोलिए अलिफ। बेटा सिर्फ अलिफ बोलिए अलिफ। अरे बेटा अलिफ बोलिए। अरे बेटा अलिफ बोलिए। अरे मैं कह रहा हूँ अलिफ बोलो, सिर्फ अलिफ। अरे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ अलिफ बोल, अलिफ। अरे अच्छा बोलो बे। अच्छा तो बे। हाँ। क्या बे बे कह रहे हैं आपको, जल्दी आते बच्चे से बात करते। अरे अरे भाई बा, अच्छा
ठीक है अंग्रेजी पढ़ो, बोलो ए अच्छा बोलो भी, अच्छा बोलो भी। अरे बेटे सिर्फ अकेला भी, अरे बेटे सिर्फ अकेला भी। अरे यार अरे 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 कमाली नाइट तो अभी भी शुरू है बट हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं तो इसलिए मैं घर जा रहा हूँ और यहीं पे इसी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।